बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर टू हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो यूनिट नंबर टू में हमारे पास था जी डब्ल्यू बेसिक। ठीक है, अब जी डब्ल्यू बेसिक में हम लोगों ने सबसे पहले कमांड्स पढ़ी, उसके बाद स्टेटमेंट्स पढ़े। लेकिन जब हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो हमारी स्टेटमेंट्स के अंदर ही एक ऐसा टॉपिक आ गया जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो हमारा कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स का जो सारा प्रोसीजर है, ठीक है, ये हमारे लिए पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने कहा था जब तक हमें ये स्टेटमेंट कमांड्स का नहीं पता होगा तब तक हम लोग इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास ये जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जी डब्ल्यू बेसिक में हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, और इसका सिंपल यानी अगर मैं मैथमेटिकल में बात करूँ और अगर मैं जी डब्ल्यू बेसिक में बात करूँ तो वो किस तरह आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा उसी तरह का है। ठीक है, अगर मैं बुक से देखूँ तो जी डब्ल्यू बेसिक के जो है वो कुछ जी डब्ल्यू बेसिक के कुछ ऑपरेटर हैं जिनमें हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल एंड लॉजिक ऑपरेटर, ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो टोटल अगर आप लोगों से कोई पूछ लेता है कि भाई ये टोटल कितने ऑपरेटर हैं, ठीक है, तो वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। टोटल 4 ऑपरेटर हैं, एक ये अरिथमेटिक है, एक रिलेशनल है, एक लॉजिकल है और एक है कंकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर, टोटल 5 ऑपरेटर हैं। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस नहीं है, टोटल 5 ऑपरेटर हैं जी डब्ल्यू बेसिक में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ऑपरेटर जो बेसिकली वर्ड निकला है ये हमारे पास निकला है जी ऑपरेशंस है। ठीक है, ऑपरेशंस क्या होता है? कोई भी काम करना आप लोगों ने, कोई भी आप लोग कह लें कि ऑपरेशन या काम वगैरह, बेसिकली जिस तरह मैथमेटिक्स में ऑपरेशन होते हैं ना, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, उसके बाद अगर मैं कॉन्जुगेट से रैशनलाइजेशन का कर ले, तो इसी तरह जी डब्ल्यू बेसिक में भी कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। अब वो ऑपरेटर जो है किस तरह आपस में इंटरलिंक्ड है या किस तरह काम करते हैं या किस तरह जो है वर्क करते हैं, हम लोगों ने उसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये बेसिकली अरिथमेटिक से निकला है। ठीक है, यानी आप लोग कह लें कि हमारे पास जो कैलकुलेशंस है या अरिथमेटिक कैलकुलेशंस है। अब अरिथमेटिक कैलकुलेशन कौन सी होती है, आप लोगों ने 9th क्लास में कंप्यूटर में जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, जिसमें ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट था। ठीक है, उसमें अरिथमेटिक का भी जिक्र था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं और वो यानी किस तरह इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, यानी बेसिक आप लोगों ने अरिथमेटिक के बारे में पढ़ा है कि ये हमारे पास प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। लेकिन ये हमारे पास जो जी डब्ल्यू बेसिक है उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास ये प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा भी और भी है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट, नेगेशन, मॉडुलस, इंटीग्रल, डिवीजन, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है ना ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में आती है। क्या सर, क्या यानी इसके सिंबल हैं, आप लोग देखें एडिशन का सिंबल ये है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल भी पता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ही पता है, एक्सपोनेंट का आप लोगों को पता है, आप लोगों ने जो है 9th में इसको देख चुके हैं। ठीक है, अगर लेट अस सपोज एक नंबर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो लेट अस सपोज ये है नंबर 2, इसका आप लोगों ने एक्सपोनेंट करना है तो वो किस तरह होगा वही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये आप लोग देखें यहाँ पे ये जो है 2, ठीक है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है 2 और ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली 3 उसका क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है वो मैथ्स में पढ़ चुके हैं और वहीं आप लोगों ने इसको बड़ी डिटेल में समझा भी था। तो ये वो वाला एक्सपोनेंट है हमारे पास। आगे है नेगेशन। नेगेशन हमारे पास इस्तेमाल होता है ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में चेंज करने। उसके अलावा हमारे पास एक्सपोनेंट हो गया, नेगेशन हो गया, मॉडुलस, ठीक है, ये मॉडुलस हमारे पास आप लोग कह लें, आप लोगों ने मैथ में मॉडुलस के क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर भी ये इस्तेमाल होगा। उसके अलावा अगर इसका जो प्रैक्टिकल यानी जी डब्ल्यू बेसिक में किस तरह इम्प्लाई होगा वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर वो कहते हैं जी द इंटीग्रल डिवीजन डज नॉट अलाउ अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो मॉड के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। द लास्ट ऑपरेटर आर मॉडुलस, ऑल्सो कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर एंड इंटीग्रल, कॉन्ट्ररी टू द डिवीजन ऑपरेटर विच रिटर्न्स द मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीग्रल डिवीजन। ठीक है, यानी जब हम लोग मॉडुलस का ऑपरेशन करते हैं ना तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो हमारे पास एक इंटीग्रल डिवीजन है, यानी हमारे पास एक पूरा एक एग्जैक्ट नंबर आता है। और इंटीग्रल डिवीजन में आप लोग सिंपल जो दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये वो आता है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो जिसमें हम लोग क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइजर,
और इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, तो ये इंटीग्रल डिवीजन में आता है, मॉडुलस में ऐसी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर थे जिसको हम लोगों ने क्या करना था, डिस्कस करना था। लेकिन आप लोगों को अगर इस टॉपिक में, इस जो है पैराग्राफ में, या इसमें कोई इशू हो, कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, तो आप लोगों ने कमेंट कर देना है, मैसेज कर देना है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, जिस तरह ये देखें, ये एक्सपोनेंट है ना, ये ए की पावर एन है, इसको जी डब्ल्यू बेसिक में किस तरह लिखा है, ये ए, ये सिंबल आप लोग देख रहे हैं ना, इसी तरह यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन का ये सिंबल है, और जो कंप्यूटर है उसमें बेसिकली, कंप्यूटर में अगर मैं बात करूँ तो मल्टीप्लिकेशन का ये स्टेरी की सिंबल विजिबल है हमारे कीबोर्ड के ऊपर भी, और इस तरह भी, तो हम लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रल डिवीजन सेम है, ये बताने का मकसद ये है कि कुछ कमांड स्टेटमेंट्स हमारे पास सेम है, कुछ हमारे पास डिफरेंट है, तो आप लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास सबसे यानी जो बेस्ट है और जो हमारे पास कंप्यूटर में अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो कंप्यूटर में अगर ये क्रॉस का साइन है ये विजिबल नहीं है, ये विजिबल है, लेकिन हमारे पास जो है ना वो अंदर बड़ी सेटिंग से करके निकालना पड़ता है, इसलिए हम लोग ये स्टेरी को यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़।